QNH, अल्टीमीटर, QFE, QFF और ATIS, ये पांच चीज़ें क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इन पांचों के बारे में एक पायलट को जानना बहुत ज़रूरी क्यों है, इस सब कुछ को जानने के लिए ये वीडियो देखते जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शुजा इमरान है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ QNH, अल्टीमीटर, QFE, QFF और ATIS। तो इस सब को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एयर प्रेशर और एयर डेंसिटी क्या होती है। एयर प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर होता है जो एक एयर इन्वायरमेंट में एयर में एग्जर्ट हो रहा है, और डेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन क्यूबिक मीटर या जो भी मेजरिंग यूनिट है। इस वीडियो में इन टर्म्स को मैं साइमल्टेनियसली ही लूँगा, क्योंकि यूजुअली एटमॉस्फेयर में यही देखा जाता है कि जब एयर प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है, और जब एयर प्रेशर कम होता है तो डेंसिटी भी कम होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो वैसे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि QNH इज़ नोन एज द एयर प्रेशर, ठीक है। इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन QNH की है कि द एयर प्रेशर रिड्यूस टू मीन सी लेवल इज़ नोन एज QNH। अब जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है फर्स्ट ईयर में या इंटरमीडिएट में, उनको शायद याद होगा, मैं जहाँ तक मेरी याद पड़ता है चैप्टर 2 था जनरल गैस लॉज के इर्द गिर्द, और उसमें या चैप्टर 3 था उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जी वन एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी 1 ATM इज इक्वल टू 760 bar इज इक्वल टू 101325 pascals, जो मेजरिंग यूनिट होता है एयर प्रेशर का। तो ये जो वैल्यू है ना 101325 pascals, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। QNH यही वैल्यू है, बट इट इज एक्सप्रेस्ड इन अनदर वे, इसे हेक्टो पास्कल्स कहते हैं, यानी 1013 hectopascals, ठीक है, बड़ा यूनिट है मेजरिंग का। तो स्टैंडर्ड जो एटमोसफेयर होता है, स्टैंडर्ड एटमोसफेयर के मुताबिक एयर प्रेशर एग्जर्टेड इज 1013 hectopascals, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह स्टैंडर्ड एटमोसफेयर नहीं होता, कहीं एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, कहीं एयर प्रेशर कम होता है, तो उसके लिहाज से आपकी जो QNH की वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती है। तो इसीलिए हर एयरपोर्ट पे QNH मेजर करके पायलट को बताया जाता है, ताकि पायलट को एटमोसफेयर के लिहाज से, उसकी जो सारी कंडीशन है उसके लिहाज से, एक पायलट को अपना एक्यूरेट एल्टीट्यूड मिले कि वो किस एल्टीट्यूड पे अपने जहाज़ को फ्लाई कर रहे हैं। अब डेफिनेशन पे वापस आ जाए, डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि दी एयर प्रेशर मेजर्ड एट एन एयरोड्रोम रिड्यूस टू मीन सी लेवल यूजिंग स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जो मेजर करते हैं, जो मेट्रियोलॉजिस्ट होते हैं, वो बेसिकली एयर प्रेशर मेजर करते हैं एयरपोर्ट पे, लेकिन उसे डिफरेंट कैलकुलेशंस के थ्रू उसे मीन सी लेवल पे रिड्यूस कर देते हैं। तो आपके पास जो QNH की वैल्यू होती है वो बताती है कि मीन सी लेवल पे क्या प्रेशर है, यानी 0 feet पे क्या प्रेशर है। क्योंकि ये 0 feet के तौर पर मेजर किया जा रहा है, जो डाटम है हमारा 0 feet होगा, तो जो भी आपको QNH के बाद जो भी पायलट को एल्टीट्यूड मिलता है वो उसका एल्टीट्यूड होता है फॉर मीन सी लेवल। यानी अगर मैं एज अ पायलट अपने अल्टीमीटर में QNH डालूंगा, फॉर इंस्टेंस अगर 1028 है, तो मुझे पता लगेगा कि मैं कितने एल्टीट्यूड पे हूँ फॉर मीन सी लेवल। तो इसे कहते हैं QNH। अब ये बड़ी सिंपल टर्म्स हैं। आगे अगर हम USA और कैनेडा में चले जाते हैं, आपने वहाँ ही सुना होगा अल्टीमीटर, वो यही चीज़ होती है QNH, लेकिन उसका मेजरिंग जो वैल्यू होता है वो एक और होता है। ये हमने मेजर किया था हेक्टोपास्कल्स में, जो अल्टीमीटर होता है वो मेजर होता है इंचेस ऑफ मर्क्यूरी में। तो वो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 290.92, और वो भी डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये थी सारी कहानी बेसिक QNH की, और QNH को जानना एक पायलट के लिए अगेन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे पता लगता है वो मीन सी लेवल से किस एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा है। अच्छा, हमने QNH डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं QFE पे। QFE क्या होता है? QFE इज द प्रेशर मेजर्ड एट एन एयरोड्रोम। बस जो बैरोमेट्रिक प्रेशर किसी एयरपोर्ट पे मेजर होगा उसे कोई चेंज किए बगैर पायलट को बता दिया जाएगा। अब क्योंकि ये एयरपोर्ट पे ही मेजर हो गया और इसे QNH के बरक्स कोई रिड्यूस नहीं किया जा रहा, तो अगर आप QFE लगाएंगे अपने ऑल्टीमीटर में तो आपको पता लगेगा कि आप जमीन से किस हाइट पे हैं। अगेन याद रखिएगा, QNH से आपको पता लगता है कि आप समंदर यानी 0 feet से किस हाइट पे हैं, क्योंकि मीन सी लेवल है और उसे हम एल्टीट्यूड कहते थे। QFE आपको बताएगा कि आप ज़मीन से किस हाइट पे हैं और उसे हम हाइट कहेंगे।
ये डिफरेंस होता है बिटवीन QNH एंड QFE। हमेशा QNH और QFE का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, क्योंकि जिस भी हाइट पे एयरपोर्ट हो फॉर्म मीन सी लेवल, वही डिफरेंस होता है बेसिकली, अगर आप थोड़ा सा एडवांस चले जाएं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि QFE आपको हमेशा हाइट बताएगा और QNH आपको हमेशा एल्टीट्यूड बताएगा। ज़्यादा स्टैंडर्ड QNH ही इस्तेमाल किया जाता है, QFE भी कम एयरपोर्ट्स पे ही होता है, लेकिन पता होना बहुत लाजमी है। QNH QFE हमने डिस्कस कर लिया, हम आते हैं QFF की तरफ। QFF कहते हैं जो हाइट होती है रिड्यूस्ड मीन सी लेवल इज नोन एज QFF। दिस इज द मोस्ट लीस्ट यूज्ड इन नॉर्मल एविएशन, लेकिन QFF का ज़्यादा इस्तेमाल आता है वेदर चार्ट्स पे, इन रूट विंड एंड टेम्परेचर चार्ट्स पे, और सिगमेट्स पे यानी सिग्निफिकेंट वेदर चार्ट्स पे। वहाँ जो आइसोहिप्सिस होते हैं उन चार्ट्स पे, उनको बेसिकली एरियाज ऑफ इक्वल QFF से ज्वाइन किया जाता है। तो ज़्यादा एडवांस चीज़ है, लेकिन आप इस पे फोकस ना कीजिएगा, हम QFF को साइड पे रख देते हैं क्योंकि हम उसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने ये तीन डिस्कस कर लिए, QNH, QFE, QFF। अब हम आते हैं ATIS की तरफ। तो ATIS क्या है? ATIS स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टर्मिनल इन्फॉर्मेशन सर्विस। आपको शायद याद होगा, अगर आपने मेरी मिटार वाली वीडियो देखी थी, इसमें मैंने मेट को एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक मिटार हाफ एन आवर के इंटरवल पे इशू होता है जिसमें लेटेस्ट वेदर इन्फॉर्मेशन बताया जाता है। अब ये तो ठीक है इसके हद तक कि किसी के पास इंटरनेट हो मेरे तरीके से, तो मिटार पता लगा सकता है गूगल पर सर्च करके। लेकिन जो पायलट होता है उसको कैसे पता चलता है लेटेस्ट वेदर इन्फॉर्मेशन का, वो इन फ्लाइट हो या किसी एयरपोर्ट पर बैठा हो, तो उसके लिए क्या जरिया है जिससे वो वेदर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? तो उससे ATIS कहते हैं कि ATIS की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो पायलट जो अपनी रेडियो पे लगाता है तो उस ATIS में बताया जाता है कि ये वेदर इन्फॉर्मेशन है। और अगर कोई और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है एयरपोर्ट पे जो पायलट को पता होना चाहिए, जैसे कौन सा रनवे इन यूज़ है या क्या ट्रांजिशन लेवल है या कोई और स्पेसिफिक प्रोसीजर, कोई रनवे बंद है या क्या है, तो वो भी ATIS में बताया जाता है पायलट को। तो ATIS के ज़रिए उसे वेदर इन्फॉर्मेशन ही मिल जाता है और कोई भी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो भी मिल जाता है। लेकिन अब ये एक आप अब हर वेदर इन्फॉर्मेशन हर आधे आधे घंटे बाद अपडेट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिटार में हाफ एन आवर बाद इंटरवल अपडेट आता है। तो पायलट को कैसे पता चलेगा कि उसके पास कौन सी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, या ATIS को कैसे पता चलेगा कि पायलट के पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है? हर ATIS का इसलिए एक आइडेंटिफायर होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि इस टाइम पर ये ATIS इशू हुआ हुआ है। उस आइडेंटिफायर को हम एविएशन में एक अल्फ़ाबेट से ही करते हैं, यानी अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एक्ो, फॉक्सट्रॉट, और हर ATIS के आगे या बिगिनिंग या एंड में बताया जाता है कि दिस इज़ इंफॉर्मेशन अल्फ़ा। उसके आगे टाइम भी बताया जाता है जस्ट टू रिड्यूस एनी कन्फ्यूजन कि दिस इज़ इंफॉर्मेशन अल्फ़ा एट टाइम 0205 ज़ूलू फॉर इंस्टेंस, ठीक है, 0225 ज़ूलू। इस ATIS इन्फॉर्मेशन के थ्रू अल्फ़ा इन्फॉर्मेशन में जो भी अपडेट्स होंगी बताई जाएंगी, उसके आधे घंटे बाद जो नया ATIS इशू होगा वो होगा इन्फॉर्मेशन ब्रावो, और उसमें नई इन्फॉर्मेशन होगी, फिर पायलट को होगा वी हैव इन्फॉर्मेशन ब्रावो। तो इसी तरीके से सारे अल्फ़ाबेट चलते जाते हैं, और फिर जब ज़ूलू पे आ जाए फिर दोबारा अल्फ़ा से स्टार्ट हो जाता है बिगिनिंग से। तो जब भी पायलट कोई कॉल करता है, या आपने शायद कभी सुना हो किसी रेडियो टेलीफोनी कॉल में कि जब स्टार्टअप ही कॉल मांगते हैं तो यूजली पायलट कहते भी हैं वी हैव इन्फॉर्मेशन ब्रावो ऑन बोर्ड। तो इससे ATIS को भी पता चल जाता है कि इसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन पुराना है और नया ATIS आ चुका है उसके बाद, तो ATIS को बताया जाता है इन्फॉर्मेशन चार्ली इज करंट। तो इसी तरीके से पायलट्स को अपडेट्स मिलती रहती हैं रिगार्डिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वेदर एंड जो भी इशू है। तो ये एक सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन थी QNH की, QFE, QFF और ATIS की और अल्टीमीटर की भी। अब एयरपोर्ट के पास तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आपकी QNH की वैल्यू एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि आपको एक्यूरेट एल्टीट्यूड पता लगे। लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि हर इलाके का अपना QNH होगा। तो जब एक फ़्लाइट फॉर इंस्टेंस लाहौर से दुबई जा रही है तो वो हर इलाके के बाद QNH एडजस्ट नहीं करता फिरेगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक हाइट पे ऊपर क्रूजिंग लेवल पे जा रहा है और उसको इतने छोटे डिफरेंसेस से नहीं पता चलता, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो एक स्टैंडर्ड एल्टीट्यूड के ऊपर हम उसे QNH को रीसेट कर देते हैं उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पे 1013 हेक्टोपास्कल्स पे। उस स्पेसिफिक एल्टीट्यूड को कहते हैं ट्रांजिशन एल्टीट्यूड। जब आप एक पायलट टेक ऑफ करता है और ट्रांजिशन एल्टीट्यूड को क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद वो QNH स्टैंडर्ड कर देता है 1013 या 29.92, और उसके बाद वो एल्टीट्यूड नहीं कहलाता, वो बेसिकली फ्लाइट लेवल कहलाता है, जो फ्लाइट लेवल इज रेफरेंस टू 1013 के डाटम पे। तो इसे एडवांस चीज़ है, लेकिन अच्छा पता हो तो अच्छा।
तो एल्टीट्यूड इज मीन सी लेवल, फ्लाइट लेवल इज अकॉर्डिंग टू द 1013 डैटम, और इसी तरीके से जब आप अराइवल आ रहे हो, आप लैंड करने लगे हो किसी एयरपोर्ट पे, तो जब आप ट्रांजिशन लेवल को क्रॉस करते हैं ऑन योर अराइवल, तो उसके बाद आप उस एरिया का लोकल क्यू यूनिट सेट कर देते हैं, जो भी आपको ATC बता देता है या आपको ATC से पता चल जाता है। तो एयरपोर्ट के जो ट्रांजिशन एल्टीट्यूड्स होते हैं वो पब्लिश होते हैं उनके चार्ट्स पे, ट्रांजिशन लेवल भी कभी कभी पब्लिश होते हैं, वरना ATC आपको बता देता है। तो जब आप कभी सुनेंगे फ्लाइट लेवल 370, तो आपको पता होगा कि ये 1013 हेक्टोपास्कल्स पे है। और इसी तरीके से आपको कभी कोई पायलट आप किसी कॉल में समझ आए कि डिसेंट 3000 फीट QNH 1007, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब ये पायलट लोकल QNH पे आ रहा है, ताकि कोई इनएक्यूरेसी ना हो उसके अल्टीमेटिव रीडिंग्स पे। तो ये सब कुछ कहानी थी इन सब की। उम्मीद है आपको सबके बारे में डिफरेंस ही पता चल गए होंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट बी श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड विल सी यू सून इंशाल्लाह इन अ फ्यूचर वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।